Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में दो युवतियों के शव गांव के बाहर पेड़ पर दुपट्टे के फंदे से लटके मिले हैं। दोनों युवतियां जन्माष्टमी की रात में गांव के मंदिर में झांकी और वहां हो रहे कार्यक्रम देखने गई थी। मौके पर पुलिस बल मौजूद है और पुलिस प्रथम दृष्टिया इसे खुदकुशी का मामला मान रही है। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और आवश्यक जांच पड़ताल के भी निर्देश दे दिए हैं। गांव भगवतीपुर निवासी रामवीर जाटव की बेटी बबली और पड़ोसी महेंद्र उर्फ पप्पू जाटव की बेटी शशि जन्माष्टमी की रात गांव के मंदिर में झांकी और वहां हो रहे कार्यक्रम को देखने गई थी। रात 1:30 बजे तक कार्यक्रम चलने के बाद सभी अपने घर चले गए, लेकिन दोनों लड़कियां घर नहीं पहुंची। परिवार वाले रात भर उनकी खोजबीन करते रहे, लेकिन कुछ नहीं पता लगा। मंगलवार सुबह किसी ने गांव के निकट पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के बाग में दोनों के शव लटके देखे तो वहां भीड़ लग गई। दोनों लड़कियों के परिवार वाले वहां पहुंचे तो कोहराम मच गया। क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू भैया, क्या हो गया था बच्चियों के साथ में? कब घर से निकली? क्या पूरा मैटर? जी, सुबह शाम को निकले, ये 9 बजे हम करके आए मंदिर थे। 9 बजे हमरे 9:30 बजे तक, 9:30 बजे बाद हम संग घर बुला लाए ना बच्चियों दोनों को। उसके बाद ना फिर जे दोबारा चलेंगे अपने आप, हमसे कहेंगे हम अब आ रहे, हम खेत में काम करते हैं, शरीर ढीलो पड़ो, हमको आँख लग गई। फिर हम जब प्रोग्राम ख़त्म हो 12 बजे, जब 12 बजे हम तलाश करो कहीं बच्चियाँ कहीं दिखी ना वहाँ, फिर पूरे जहाँ जान पहचान थी पड़ोसी में चारों तरफ ढूंढी, मिली ना लड़की। फाइनली सुबह क्या कैसे जानकारी मिली, क्या सुबह जब उसमें खेत में जब बाग आए, बाग में सुबह को लाइटिंग करने जाते, उन्होंने देखे जब जानकारी मिली पता लगा। दोनों क्या एक ही फंदे पर लटके? एक ही दुपट्टा में लटके। तो आप क्या लगता है आपको? हमें जैसे लग रहा किसी ने मार के लटकाई है। कोई रंजिश वगैरह किसी से? हमारी किसी से ना रंजिश। बेटी का क्या नाम था आपकी? सरसई। कितने साल की थी? 15 साल की।